फाइनली नई दिल्ली उतर गए हम और हमारे साथ जितने लोग हैं सभी लोग फ्रेश हो गए हैं अल्लाह के रहमोकरम से। और अभी हम लोग जा रहे हैं हलवा पूरी के लिए। और हलवा पूरी वैसे एक मतलब टॉपिक है, मतलब नाश्ते के लिए जा रहे हैं और नाश्ता मिल जाए इंशाल्लाह रहमान बेहतर से बेहतर। हलवा पूरी में काफ़ी टाइम लग रहा है और हम लोगों ने हलवा पूरी ले लिया है। हलवा पूरी ये देखें, और अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रात और मैं नींद प्रॉपर पूरा नहीं हो पाया इसलिए मुझे थोड़ा सा नींद टाइप का लग रहा है भाई साहब। और फिर में मुझे ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील हो रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप करते हुए आप लोगों के साथ इंट्रैक्ट होते हुए ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय देने के, अब फाइनली सोने जा रहे हैं क्योंकि रात भर नींद आया नहीं। और ये अलीज़ा, और अलीज़ा कुछ कहना है? A few moments later फाइनली मेरी नींद पूरी हो गई, और नींद पूरी हो गई और मैं इंतज़ार में हूँ कि लिफ्ट आ जाए। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ द्वारका। द्वारका जाने के बाद वहाँ कुछ शूट है कुछ, तो शूट करने के बाद का सीन है कि कितने बजे ख़त्म होता है तो देखते हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। छोटी सी मुस्लिम वेडिंग है ऐसा उन्होंने कहा है, जाके पता चलेगा कैसा वेडिंग है। तो ये जो वाइब्स रहता है लिफ्ट का एकदम मध्यम मध्यम सा साउंड काफ़ी अच्छा लगता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेट्रो के लिए चावड़ी बाज़ार से वाया द्वारका। अब बीच में अराउंड मैंने देखा था कि 17-18 स्टॉप है इस बीच में, तो देखते हैं कितने जल्दी पहुंचते हैं। मुझे तो अभी बज रहा है 2:30, मुझे लगा कि अराउंड मैं पहुंच जाऊंगा 3:30-4 बजे तक, क्योंकि मुझे पार्लर शॉर्ट सबसे पहले लेने हैं, फिर उसके बाद फिर आगे वेडिंग प्रोसेस होता है। फाइनली गेट नंबर 3 के अंदर मैं आ चुका हूँ, चावड़ी बाज़ार। और यहाँ से मैं द्वारका तो स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से द्वारका कैसे होगा पता चलेगा किधर से कैसे। पहले मैं टोकन लेता हूँ, दिन उसके बाद पता चलेगा। मेट्रो के लाइन में और यहाँ से मैं टिकट ले रहा हूँ। पहले मैंने टिकट ले लिया है और यहाँ से मुझे येलो लाइन पकड़ के जाना होगा। पहले पहुँच गए हैं राजीव चौक, और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गए, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ राजीव चौक से चेंज करके द्वारका का। वापस से मुझे द्वारका मोड़ उतरना पड़ा और यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, फिर वहाँ से मुझे एक और मोटर चेंज करना पड़ेगा, देन मैं द्वारका सेक्टर 8 जाऊँगा। फिर मुझे वहाँ से 1.5 किलोमीटर किस तरीके से जाना होगा, चाहे मैं रैपिडो ले लूँ, टोटो ले लूँ, या फिर कुछ, मैं पहले तो मैप देखूँगा। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 का मुझे पता चला कि ऊपर फिर से आना पड़ेगा, तो ऊपर जाने के बाद का सीन है कि अब इस साइड की साइड मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वापस घूम के हमको इधर ही आना पड़ा है। उस साइड मैंने छोड़ा वो एंड तक द्वारका मोड़ तक वो आया, फिर उसके बाद गली सेक्टर 8 कर गए हैं। और यहाँ उतरने के बाद अब मुझे जाना है यहाँ से नीचे 1.5 किलोमीटर के आसपास बता रहा है जहाँ मुझे जाना है। फाइनली हमारा मेट्रो का सफ़र यहाँ तक कंप्लीट होता है। देखिए ये सूर्या ग्रैंड, इसे मैं इंशाल्लाह अपने लोग को जाना है सूर्या ग्रैंड में। भाई साहब थोड़ा थोड़ा सूर्या ग्रैंड में मैं आ गया, तो मुझे पता करना है इधर जाना है किधर जाना है। फाइनली 60% अराउंड वीडियो शूट मतलब वेडिंग शूट हो गया, मुस्लिम वेडिंग, अभी तक निकाह नहीं हुआ है। खैर कोई नहीं, और चलते हैं महविश के पास। महविश फोटो कैसे आए हैं? दिखाएं फोटो आप मुझे, सही है माशाल्लाह। एक्सपेक्टेशन था? एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा है, पता था आप अच्छा करोगे, इतना अच्छा करोगे ये नहीं पता। ओहो, ये एक्सपेक्टेशन ये था कि आपके वेडिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, थोड़ा डाउट था, बट जनरली आपने बहुत अच्छा शूट किया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वेरी हैप्पी, थैंक यू। या मोस्ट वेलकम। फाइनली वेडिंग कंप्लीट हुआ और रात के बजे ने अभी 11, और लास्ट मेट्रो है जो राजीव चौक मुझे ले जाएगी। और ये मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला है वहाँ से, मैं नाम ही बोल रहा हूँ, ग्रूम का नाम दिलशाद, ब्राइड का नाम महविश, हाँ याद आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा थकावट से ज़्यादा मुझे अभी इस बात का चिंता है कि राजीव चौक से फिर मुझे
जहाँ बस कैसे यहाँ तो वहाँ से तो बगल रैपिडो वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह। ओ भाई साहब, मैंने पहली बार देखा है दिल्ली का मेट्रो सन्नाटा, पूरा सन्नाटा है भाई। भाई मेरी रात मदद की और इन्होंने मुझे लाइन बताने हेल्प की। और भाई हाई फाई, हाई यो हाई। तो अभी दूसरी लाइन लेके हम लोग, कौन सी अभी लाइन है? अभी ये ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन नोएडा इलेक्ट्रिसिटी, नोएडा इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों ने लाइन चेंज की है। हम लोग आ कहाँ से हैं? जनकपुरी वेस्ट, जनकपुर पालंग से ना। हाँ। पालंग से जाना है राजीव चौक। आपको कहाँ जाना है? शादीपुर। और पहले ही या बाद में? मतलब शादीपुर ही जाना है। अच्छा, तो भाई साहब को शादीपुर जाना है, वहीं उतर जाएंगे। मुझे राजीव चौक जाना है, देन उसके बाद वहाँ से देखेंगे कि मेट्रो मिला तो ठीक, नहीं तो फिर रैपिडो वगैरह। भाई साहब थक के तो पूरा बदन चूर है और अभी बज रहे हैं रात के 12 और कल से निकले हुए हैं, ट्रैवल करते करते थक गए हैं। फिर वेडिंग शूट हुआ, फिर उसके बाद अभी भी तीसरी बार मेट्रो चेंज कर रहे हैं भाई साहब। फिर उसके बाद अभी हम लोग चापी बाजार ले जाएगा, अभी तक आया नहीं, लास्ट ट्रेन छूटा तो भाई राजीव चौक से बाहर जाने पड़ेगा डायरेक्ट। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। रिटर्न गिफ्ट मिला है वेडिंग से, मैंने तो इस वेडिंग में गिफ्ट दिया भी नहीं बट मुझे मिला है। खैर कोई नहीं, जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा। सच्चाई तो ये था कि उनको लगा था कि मैं उनके वेडिंग में नहीं पहुंच पाऊंगा दिल्ली, लेकिन मैं उनके सोच को गलत साबित कर दिया। अभी हम लोग आ गए हैं चावड़ी बाजार और यहाँ से अभी हम लोग एग्जिट हो रहे हैं जुआ मस्जिद की साइड पर। ऐसा हो रहा है कि रात के अराउंड 12:30-1 के आसपास हो रहा है और अभी हम मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मेट्रो यहाँ बंद हो जाता है 10:30 तक। वो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मिलती चली गई एक पे एक, अल्लाह का शुक्र है। राजीव चौक की जगह मुझे यहाँ उतरना पड़ा, लेकिन मुझे राजीव चौक उतरना, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आगे 2 स्टॉप उतरा, फिर मैंने कहा कि अपडेट कराना हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं अपडेट है, कोई चक्कर वैसा है नहीं। The next day. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका अपना फाज फहीम। सभी को मेरा सलाम, आदाब, अभिनंदन। आप कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नए दिन नए ब्लॉग के साथ, दिन है दूसरा दिल्ली में। तो आज का दिन कुछ खास तो नहीं, अभी तक पता चल रहा है क्या है नहीं है, कुछ खास काम तो नहीं लग रहा है क्योंकि अभी सो के उठे हैं और दिन का बज रहा है अभी 12, बाहर होने को आ रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे कल। और कल रात में अराउंड 1-2 बजे के आसपास मैं होटल आया, दिन उसके बाद सोते सोते 3 बज गया, तो नींद थोड़ा सा मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया है। पर खैर कोई बात नहीं, अभी हम हैं कुछ सामने जहाँ मुझे ये होटल है, तो अपन लोग इसी टाइप का लेते हैं कि व्यू अच्छा रहे, थोड़ा सा दिल लगे। और आज का एक टॉपिक है कि हम लोग आज मिलने आ रहे हैं एक और न्यू क्लाइंट से, वो वेडिंग परपज होगा उनका, नवंबर में उनकी वेडिंग है, तो इंशाल्लाह चलिए देखते हैं आज कहाँ कहाँ चल रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी चाय नाश्ते के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद फिर आएगी जो प्रोसेस होगी, आएगी जो ब्लॉग होगी वो दिखाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। हम लोग चाय नाश्ता हो गया है, चलिए यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, सॉरी। और हम लोग का चाय नाश्ता हो गया और नाश्ता लेना है सब लोगों के लिए। हवा भाई का आप जरूरी है, समझ रहे हैं, तो सब होगा तो तुमको सब पकड़ेगा। तो अभी भाई साहब निकल चुके हैं हम लोग लाल किले के लिए और लाल किला पहुँचने पर कठिन है। कुछ लोग अभी भी जो मेरे साथ हैं वो लोग अभी रेड लाइट पर रुके हैं, हम लोग लाल किले के अंदर चलते हैं। वहाँ का वाइब देखे, इतने साल हुए दिल्ली आते हुए लेकिन आज पहली बार लाल किले जा रहे हैं। हम और आजिल हैं, आजिल सो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो हाय, बोलो बाय, बोलो हेलो, हेलो वो वाला हाथ, हेलो। ये लोग ही है दिल्ली कर्नाट प्लेस में सबका मास्क चेक कर रहा है, हमारे पास तो मास्क है नहीं। मास्क है, अब मास्क मिला है इसी तरह से पहले। ये एयरपोर्ट प्रो का भी हम लोग रुक के इसका लिए केस, खोलने में तो बहुत प्यारा लग रहा है ये इस टाइप का कुछ है, प्यारा लगा एयरपोर्ट प्रो, लेकिन हम लोग को जेन्युइन प्राइस में इसने बार्गेनिंग बहुत कराना पड़ता है यार। मेट्रो जा रहे हैं, मेट्रो से यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ नोएडा, ये मीटिंग जो मैंने सुबह बात की थी मुझे मिलना है और अभी मैं मिलने जा रहा हूँ उन लोग। ये
के बजे 7:30 और अभी हम आ गए यमुना बैंक और यहाँ से हम लोग को जाना है सेक्टर 15 नोएडा। वहाँ हमारा वेट हो रहा है क्योंकि अपने लोग कुछ काम वाम करता तो पहले यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और रहा सवाल तो रात के भी 10 बजते हैं अराउंड रॉक्स समथिंग मतलब कुछ कुछ आस पास 9:45 हो रहे मैंने राइट टाइम देख लिया। तो आज के ब्लॉग यही कंप्लीट होते हैं। आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा जो मीटिंग में गया था वो मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और काफ़ी अच्छा मीटिंग रहा वो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आया सुन के दिल बैंक के चर्चे आह भरते सब लड़के ओ लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन ओ मुंड तेरिया दा पे मरते कृष्ण दिल भाई दीदी ना भाई दीदी ना मन आवे कृष्ण दीदी ना भाई दीदी ना। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और कहा भाई को भी साथ लाया। रात भर मैं नशे में रहता हूँ मेरा ऑर्डर रिपीट कर करके बिलाता जाम भी करके तुझको जाना है।